हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेनास की बात करेंगे और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन और टर्म्स के इसमें इस वीडियो में बातें करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहला पॉइंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग इट्स कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दीज चार्जेस डू नॉट मूव। वो चार्जेस जो हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ के उनके सरफेस पर जनरेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये चार्जेस मूव नहीं कर सकते और कोई भी ऐसी चीज जो चल नहीं सकती उसे कहा जाता है स्टैटिक। और क्योंकि ये चार्ज चल नहीं सकता इसलिए इसको कहा गया है स्टैटिक चार्ज, और इस ब्रांच को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन चार्ज मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई भी एक चार्ज चलना शुरू कर देता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और इस ब्रांच को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट हमारे पास है चार्जिंग। इफ ए चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग। अगर किसी वस्तु पर चार्ज बनना शुरू हो जाता है तो हम कहेंगे ये प्रोसेस कैसी है, चार्जिंग है। डिस्चार्ज्ड द ऑब्जेक्ट विच लॉस्ट चार्ज इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने अपना चार्ज क्या कर दिया है, खो दिया है, उसे हम कहेंगे डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट। अर्थिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। जब भी चार्ज किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ चला जाता है तो इस ट्रांसफर को हम कहेंगे अर्थिंग, यानी हमने चार्ज को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, अर्थ में ट्रांसफर कर दिया है। और आगे जो पॉइंट है वो है थंडर स्ट्रॉम। ए लाउड नॉइज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस स्काई ड्यूरिंग ए रेनी डे इज कॉल्ड थंडर स्ट्रॉम। थंडर स्ट्रॉम मतलब गरज वाले तूफान। बारिश के दिनों में जब साथ में बिजलियां कड़कती हो, एयर चलती हो, तो उसे कहा जाता है थंडर स्ट्रॉम। अगला पॉइंट है लाइटनिंग। ए ब्राइट लाइट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ए स्काई ड्यू टू रबिंग ऑफ टू क्लाउड्स और क्लाउड्स एंड अर्थ इज लाइटनिंग। जब भी दो बादल आपस में रगड़ खाते हैं तो एक तेज प्रकाश की लकीर बन जाती है आसमान में, इसे लाइटनिंग कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो ये बिजली है। अर्थक्वैक भूकंप। एन अर्थक्वैक इज ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। जब धरती एकदम से हिलना शुरू कर देती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं अर्थक्वैक, यानी भूकंप। धरती का कांपना शुरू हो जाना भूकंप कहलाता है। लाइटनिंग रोड। इट इज ए डिवाइस टू सिक्योर टाल बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। बड़ी बिल्डिंगों को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाने के लिए उन पर एक रोड गाड़ी जाती है जो जमीन से मिली होती है नीचे, ताकि जब बिजली उस बिल्डिंग पर गिरे तो वो उस रोड से होती हुई जमीन में चली जाए और बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। सेस्मिक वेव। द वेव ऑन अर्थ प्रोड्यूस्ड बाई ट्रेमर्स नोन एज सेस्मिक वेव। वो तरंगे जिनकी वजह से भूकंप आता है कहलाती है भूकंपीय तरंगे, या फिर सेस्मिक वेव्स। लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अर्थक्वैक टेंड्स टू अकर्स एट ए बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट। अर्थक्वैक जो होते हैं वो अर्थ की
ऊपरी परत में पाए जाते हैं, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है। दिस बाउंड्रीज आर नोन एज फॉल्ट जोन। और वो जो फॉल्ट जोन मतलब जिसे हम कह सकते हैं इफेक्टेड एरिया होगा अर्थ का, जहाँ पर भूकंप बनना शुरू होते हैं, और उसे फॉल्ट जोन कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इंफॉर्मेशन और फैक्टर्स थे जो हमने क्या करने हैं, पढ़ने हैं इस चैप्टर के। ओके, ऑल द बेस्ट।